हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं पानी पूरी के लिए चटपटा वाला पानी। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लेकर रखी हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए, इसमें मैं डाल दूँगी 2 मुट्ठी भर के धनिया पत्ती। इस तरीके से आप मुट्ठी बनाकर देख लें, तो 2 मुट्ठी इसमें धनिया पत्ती डाल दीजिए। और यहाँ पर साथ में हम डाल देंगे 1 मुट्ठी पुदीना। पुदीना का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पानी पूरी के पानी में, ज़रूर डालें। तीखेपन के लिए मैं इसमें 2 मिर्च डाल रही हूँ। आपको जितना कम या ज़्यादा तीखा पसंद है उसके अनुसार आप इसमें तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें आप डाल दीजिए 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। और अब इसमें जाएगा मेन इन्ग्रीडियंट, खट्टा करने के लिए यहाँ पर मैं नींबू डाल रही हूँ। कई लोग ना इसमें इसे खट्टा करने के लिए इमली डालते हैं, लेकिन इमली फ़िलहाल घर में नहीं है तो यहाँ पर मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि हमने नींबू यूज़ किया है और इमली यूज़ नहीं की है, इमली हल्की सी खट्टी मीठी जैसी होती है, नींबू तो खट्टा होता है, तो वो खट्टा मीठा वाला टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटी चम्मच चीनी। बिल्कुल 1/2 छोटी चम्मच चीनी डालिएगा। साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। और इसे हम पीसने के लिए, क्योंकि इसमें हम पानी यूज़ करेंगे, पानी की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बर्फ़। बर्फ़ यूज़ करने से ये आपका बिल्कुल हरा बना रहता है, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर नहीं आता है। तो ये देखिए कितना हरा बना हुआ है ये हमारा। तो ये देखिए, ये जो हमारा पेस्ट है वो मैंने बिल्कुल पीस कर रेडी कर लिया है, बिल्कुल महीन आपको इसे पीसना है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं पानी में। तो यहाँ पर एक बाउल ले लीजिए, इसमें आप डाल दीजिए करीबन 1 लीटर पानी। और उसमें मैं ये डाल देती हूँ मिक्सचर जो कि हमने रेडी किया है। और ये देखिए पानी कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इस पानी को ना आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा नींबू डालिए, ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्ची बढ़ा सकते हैं, ये आपकी टोटली चॉइस है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ बूंदी। और ये लीजिए, ये हमारा चटपटा पानी बनकर बिल्कुल रेडी है। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं, ठंडा करने के लिए इसमें आइस ज़रूर डालें, क्योंकि पानी पूरी का पानी ठंडा होना चाहिए। अब भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, चलिए भाई पानी पूरी खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमने अपनी रेडी लगा ली है। हमारे पास है करारी पानी पूरी, चटपटा तीखा पानी, और ये आलू मसाला पानी पूरी के लिए। साथ में मैंने ले ली है यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने दे दी है। तो चलिए अब खा लेते हैं जल्दी से पानी पूरी। पानी पूरी में आप डाल दीजिए ढेर सारा आलू, थोड़ी सी आप ये डाल दीजिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, और डाल दीजिए ये चटपटा तीखा पानी, और बस। तो ये लीजिए, ये आपकी पानी पूरी बिल्कुल तैयार है। जल्दी से मुंह खोलिए और इसका आनंद लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।